क्या आज के ज़माने में आप अपना पैसा ट्रांसफर या विड्रॉ या ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि ऐसे काम करने के लिए बैंक के लाइन में खड़े रहेंगे? नहीं ना। लगातार बैंकिंग सेक्टरों में कस्टमर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते बैंक वालों ने एक कार्ड प्रदान करते हैं जिसका नाम है डेबिट कार्ड, जिससे आप कभी भी कहीं भी एटीएम मशीन में डालकर पैसा निकाल सकते हैं, स्वाइप कर शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो डेबिट कार्ड या तो वीजा कार्ड होगा या तो मास्टर कार्ड होगा। सोचिए, किसी को पैसा भेजना है या ट्रांसफर करना है या फिर शॉपिंग करना है, प्रॉब्लम ये थी कि आपको अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग डेबिट कार्ड चाहिए थी, लेकिन ये वीजा और मास्टर कार्ड वाले पेमेंट नेटवर्क बन गए। इन लोगों ने इंडिया में, यहाँ तक सारी कंट्री में जितने बैंक है सबसे टाई अप कर लिया, सबके सर्वर में एक्सेस ले ली। फिर इन्होंने कहा, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो हम कार्ड नंबर दे देंगे और आपको कार्ड प्रिंट होके मिल जाएगा जिस पर हमारा वीजा या मास्टर का लोगो होगा। एक्चुअली इससे होगा क्या, एक नेटवर्क बन जाएगा सारे कार्डों के बीच में और एक ही नेटवर्क में सबका डाटाबेस यानी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। वीजा या मास्टर एक पेमेंट नेटवर्क कंपनी है जो एक दूसरे के कंपटीटर है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों यूएसए नेटवर्क है जो हर ट्रांजेक्शन पे फी लेते हैं हमसे 1% से लेकर 2% तक। मान ले कि अगर आज ट्रांजेक्शन हुआ है तो 2 दिन के बाद रिसीवर को अपने पैसे मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया में है तो आपका कार्ड द्वारा हर ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन या डाटाबेस इंडिया के नेटवर्क से बाहर के नेटवर्क में जाता है, फिर वेरीफाई होता है और वापस इंडिया के ही नेटवर्क में आता है, भले ही आप इंडिया में ही ट्रांजेक्शन क्यों ना कर रहे हो किसी भी जगह से। इसीलिए डिजिटल इंडिया के दौरान NPCI, जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया रुपए कार्ड जो डायरेक्ट ऑल ओवर इंडिया में ट्रांजेक्शन करेगी और इसकी ट्रांजेक्शन फी चार्ज मास्टर और वीजा कार्ड वाले ट्रांजेक्शन चार्ज से काफी कम है। रुपए कार्ड को इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और बैंकों पर जोर दिया जा रहा है कि कस्टमरों को ये कार्ड मुहैया कराया जाए। अब इस नुकसान से बचने के लिए वीजा और मास्टर कार्ड कंपनी वाले अपना एड चलाना शुरू कर दिया है और एड में उनका कहना है कि अपना कार्ड पूरे वर्ल्ड में यूज करें। एक और प्रॉब्लम यह है कि रुपए कार्ड से आप पूरे वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिया में ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका रुपए प्लैटिनम कार्ड है तो आप किसी भी कंट्री में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे रुपए कार्ड भी पूरे वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन कर पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये थी 3 कार्डों के बीच का अंतर। आई होप अब आपको कौन सा डेबिट कार्ड लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।